Hey guys, what's up? Welcome back to my new episode, Long Drive with Faisu. कैसे हो आप सब? Long Drive with Faisu में जो आज आ रही हैं, वो मुंबई आई नहीं है, वो मुंबई भाग के आई है guys. जिन्होंने कई reality show में अपना नाम कमाया है, Hustle हो, चाहे Big Boss हो, please welcome दिलों की शहजादी, खानजादी. लोगों की expectation भी थी कि तुम top 5 में जाओगी. Big Boss में लोग 3,000 लोग audition देते हैं. But उन 3,000 में तुम आई हो. तुम्हें क्या लगता है अभिषेक ने सही किया चिंटू के साथ? ऑफ कोर्स बिल्कुल. अब अगर मौका मिले तो मैं वापस जाने का अंदर घर में. अरे मैं तो एक पैर उठा ही यूएस से. आपने कहा था कि अभिषेक को गेम के लिए यूज कर रही हूँ आगे बढ़ने के लिए. ये आपको क्यों लगा? और अच्छा हाँ मैं थोड़ी बहुत इम्प्रेस हो गई थी. थोड़ी बहुत क्या इजी है बिग बॉस के घर में. लोगों को लगता है बस सोए रहो खाओ पियो. बट आई एम हैप्पी कि देखो अभिषेक वापस आ गए. हाय खानजादी, कैसी हो तुम? हेलो फैजू, मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? मैं भी एक नंबर, एकदम मस्त फिट. जिम जा रही हो नहीं जा रही हो? मैं जिम नहीं जाती हूँ. जिम नहीं जाती? हाँ. मुझे तो लगा यार आसाम की लड़की यार फिट होगी, जिम जाएगी. बिग बॉस जाने से पहले एक महीने के लिए ज्वाइन किया था, फिर उसके बाद चली गई और वापस आने के बाद में फिर ज्वाइन नहीं किया. मे बी खानजादी मेरे शो के ना कुछ सेगमेंट है, मैं एक एक करके बताऊंगा. बहुत सिंपल है. तो सबसे पहला सेगमेंट जो है ना वो है फोन त्यागना सेगमेंट. आओ अपना फोन मुझे दो. ओ गॉड, सच में देना पड़ेगा? यस. मैंने आज तक किसी को, मैंने अपने एक्स को भी नहीं दिया कभी. देखो यार ये शो पे देना पड़ेगा क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे शो के दौरान तुमको कोई भी कॉल करे. अच्छा, एक्स वाई जेड या जो भी हो. ओके, वाई तो नहीं है कोई. हाँ वाई है. वाई है, देखा गाइस, अभी एक-एक करूंगा निकलते रहेगा. वाई. अगर फोन को हम दोनों में से किसी ने हाथ लगाया तो उसको मिलेगी पनिशमेंट. ओके ठीक है. और पनिशमेंट क्या है? जो भी आप डिसाइड करो मेरे लिए, मैं आप डिसाइड करूँ आपके लिए. ठीक है. अब हम बात करेंगे टॉक ऑफ द टाउन के बारे में. 2019 में आपने एक शो किया था हसल, उसके बाद में भी आपने 2023 में बिग बॉस किया. आप उस टाइम से इस टाइम तक के टॉक ऑफ द टाउन के चर्चे में रहे हो. कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है. कभी सोचा नहीं था यहाँ तक आऊंगी, मतलब जहाँ तक भी हूँ ये मेरे लिए लाइफ का सबसे बड़ा अचीवमेंट है. अच्छा। फिलहाल तो कहीं ना कहीं आप आसाम को रिप्रेजेंट भी कर रहे हो. बिल्कुल बिल्कुल. मेखला सदर पहना था मैंने बिग बॉस में. हाँ। फिर थोड़ा बहुत बिहू डांस भी किया और आसाम के पीठा और को भी पीठा. हाँ वो पीठा जो था ना, बहुत लोगों को लगा कि वो मैंने इंटेंशनली जानबूझ के सिंपथी के लिए मैंने किया था वो. हाँ। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, वो बस मैंने काउंटर. हाँ। किया था क्योंकि बिग बॉस में तो वही करना होता है ना आपको. हाँ। काउंटर. हाँ। तो मैंने बस मौके पे चौका मार दिया. क्या बात है. तो बेसिकली तुम आसाम से हो है ना? हाँ. तुम मुंबई आई थी? तुम आई नहीं थी, तुम भाग के आई थी. मैं भाग के आई थी. भाग के आई थी. तो मुंबई ने तुमको कैसा ट्रीट किया? यार मुंबई ने बहुत कुछ दिया. अभी जो भी हो रहा है जस्ट बिकॉज मैंने गिव अप नहीं किया इसीलिए. नहीं तो अगर मैं बॉम्बे छोड़ देती तो ये सब होता क्या? सही बात है. हसल की अपॉर्चुनिटी कैसे आई तुमको? ऑडिशन. डायरेक्ट ऑडिशन? हाँ, रात को मैं रो रही थी ऐसे. हाँ, मतलब ऐसे रात को मुझे बड़ा लो फील हो रहा था उस दिन. हाँ. तो एक दोस्त ने कॉल किया. हाँ. और उसने बोला कि जाओ मैं देखे आया हूँ, तुम. हाँ. भी देखे आओ. हाँ. तो बस मैं अभी चली गई. हाँ. और फिर मेरा सिलेक्शन भी हो गया. क्या और फिर तब वहाँ जाके मैंने सोचा कि यार अब तो मेरे पास सिर्फ एक दो गाने ही है और बाकी लोगों के पास में 10-12 गाना बना के अच्छे से उस वक्त जब प्रैक्टिस करके ये लोग आए. तब तुम्हें रैपिंग का शौक था और तुम लिखती थी लाइंस वगैरह? हाँ हाँ मैं लिखती थी, लेकिन आई वाज नॉट दैट पैशनेट. एक हॉबी जैसा था. हाँ. ठीक है. लेकिन हसल के बाद तब मेरा अंदर का जज्बात हाँ वो जागी. जाग गए. फिर मुझे मतलब ऐसा लगा कि हसल मेरे लिए एक इशारा था भगवान की तरफ से कि सुधर जाओ. क्योंकि जब वहाँ मैंने देखा दूसरे आर्टिस्ट को कि इतने अच्छे से ये लोग इतने सालों से मेहनत करके आज इतने कॉन्फिडेंटली कर रहे हैं, आई वॉज नॉट दैट कॉन्फिडेंट. क्योंकि मैं घबराई हुई थी, बिना प्रिपरेशन के चली गई मैं. और वहाँ जाने के बाद मैं सबको देख के इंस्पायर हुई. फिर उसके बाद घर पे रिदम खुल गया होगा ना, कॉन्फिडेंट आ गया होगा यार मैं भी ये चीज. हाँ, तो मेरे लिए भी बहुत आसान है. मैं कर सकती हूं. किंग ने मुझे बोला था बैक स्टेज पे, मुझे बोला था कि तुम यूट्यूब पे जो फ्री बीट्स होता है ना वो उठाओ और उस पे गाना बनाना स्टार्ट करो. तो तुमने किया? मैंने किया. और फिर फर्क पड़ा बहुत ज्यादा. अब तो मतलब यू गाना बना देती हूँ.
क्या बात है यार। बट मैंने यार बिग बॉस में रैप ही सुना। हाँ फिलहाल तो मतलब कुछ अभी आया नहीं है, बट जल्दी आने वाला है। जल्दी आने वाला मतलब। और मैं तो चाहती हूँ कि तुम अपना अपना प्लेलिस्ट पे तो मतलब रखो मेरा गाना यार। अरे यार और रखोगे आई एम श्योर। पक्का रखेंगे और लोग भी रखेंगे जितना ज्यादा रिलेटेबल होगा सॉन्ग। बिल्कुल सही बात है। मैं बढ़ता हूँ अभी। बिग बॉस की अपॉर्चुनिटी कैसे मिली? बिग बॉस की अपॉर्चुनिटी यार देखो, बिग बॉस में लोग 3,000 लोग ऑडिशन देते हैं, उनके पास में 3,000 लोग के ऑप्शन होते हैं कि हम किसको लें, बट उन 3,000 में तुम आई हो। जो मेरी टीम थी उन्होंने दिया था मुझे ये अपॉर्चुनिटी। एकदम अचानक से बात चल रहा था कि शायद यू नो मुझे जाना पड़ेगा। एक हफ्ता पहले बोल दिया कि अब तो जाना ही पड़ेगा। फिर आई वाज लाइक ठीक है, अचानक ऑल ऑफ अ सडन। अब अगर मौका मिले तो मैं वापस जाने का अंडरगार्मेंट में। अरे मैं तो एक पैर उठा रही यूएस से जाऊंगी। मैं एकदम भाग के। क्या बात है यार। बिग बॉस की जर्नी कैसी थी तुम्हारी? बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी। बहुत जैसा सोचा था वैसी थी? कुछ मैंने कुछ सोचा ही नहीं था, ये बात है। मैंने कुछ नहीं सोचा था, मैं बस चले गए वहाँ पे। और मैंने कभी वैसे बिग बॉस देखा भी नहीं था। जब ये सबसे अच्छी बात है पता है कि बिग बॉस ना देखो ज्यादा बेटर है। हाँ मैंने बस ऐसे रील्स पे कभी कभी ऐसे स्क्रॉल करते वक्त कुछ अगर आ जाता है ना तो वो देख लेती थी, लेकिन ऐसे एपिसोड हर बैठ के कभी हाँ नहीं देखा। बिग बॉस में आपने बहुत अच्छा खेला, इतना अच्छा खेला कि लोगों की एक्सपेक्टेशन थी। देखो मैं सच्ची बात बताऊँ, बिग बॉस जब मैं देख रहा था ना, एक रहता है ना कि एक महीने बाद ऐसी बातचीत होती है कि यार देखो क्या लगता है टॉप 5 में कौन आएगा, उसमें तुम्हारा नाम रहता था। ठीक है, और हम लोग जब ग्रुप डिस्कशन भी करते थे ना तो उसमें तुम्हारा नाम रहता था कि खानजादी तो आएगी। मैं पछता रही हूँ अभी। कोई बात नहीं। देखो जो जितना नसीब में होता है उतना ही मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल बराबर। देखो इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी तुम्हारे पास में, तुमने उसका यूटिलाइज किया। ठीक है, लोगों ने तुम्हें प्यार भी बहुत किया, कहीं ना कहीं लोगों की एक्सपेक्टेशन भी थी कि तुम टॉप 5 में जाओगी, बट तुम्हारी नसीब में नहीं था। मेंटल इश्यूज की वजह से? क्या था वो? इमोशनल ब्रेकडाउन। इमोशनल ब्रेकडाउन की वजह से? मुझे आपसे एक सवाल पूछना है। क्या मैं पूछ सकती हूँ? बिंदास पूछो। आपने एक चीज कही, मुझे किसी ने तो मुझे भेजा था वो वीडियो, आपने बोला था कि मैं अभी देखो मेरे रिएक्शन वीडियो के बारे में बात करियो। हां पूछो। आपने कहा था कि मैं अभिषेक को गेम के लिए यूज कर रही हूँ आगे बढ़ने के लिए। हाँ। ये आपको क्यों लगा? और अच्छा आपको बताना पड़ेगा। देखा हाँ। उसमें मैंने ऐसा पर्टिकुलर बोला नाम कि ऐसा हो सकता है, ऐसा था। नाम तो बोला आपने अभिषेक का। हाँ अभिषेक का नाम तो मैं लूंगा ना। देखो मैं वही चीज मेरे शो पे बोलता हूँ जो चीज लोग बोलते हैं। अगर मैं मेरी तरफ से कुछ बोला हूँ तुमको तो बताओ। नहीं मतलब आपको ऐसा फेक लगा तो क्यों लगा? नहीं, लोगों का कहना था कि खानजादी अभिषेक का यूटिलाइज कर रही है शो में, लव एंगल ट्राई कर रही है आगे बढ़ने के लिए। ऐसा है क्या? लो मैं तुम्हें सामने पूछ लेता हूँ। बिल्कुल नहीं है ऐसा। और जहाँ तक आपने देखा होगा कि वही पीछे पीछे आता था। ठीक है। हाँ मैं थोड़ी बहुत इम्प्रेस हो गई थी। अभिषेक बाहर आएगा तो मिलोगी ना? अगर वो मिलना चाहेगा कहीं पार्टी वार्टी में तो पार्टी वार्टी में डालेगा ऐसा ही मतलब देखा जाएगा। दोस्तों हम है अभी। कल ही तहलका का पार्टी था। कैसी थी पार्टी? तो बहुत ही अच्छा। मैं रिंकू जी से मिली, जिगना जी से मिली, नील, ऐश्वर्या सबसे सबसे मिली, सब लोग आए थे। गिला, शिकवा सब दूर, सब दूर हो गया। यही सही है। बिग बॉस में कोई ऐसा डिफिकल्ट मोमेंट? क्या इजी है बिग बॉस के घर में? लोगों को लगता है बस सोए रहो, खाओ, पियो। ऐसा नहीं है। हाँ, ऐसा नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। वहाँ पर झगड़ा करो, बाद में उन्हीं का मुंह देखो वापस। टिपिकल मोमेंट तो बस वही आपने देखा होगा शायद, रोना धोना जो मैं कर रही थी। हाँ। खुद को संभालना मुश्किल हो रहा था हेल्थ इशू की वजह से। नहीं, ऐसा जब कोई किसी की पर्सनालिटी इतनी स्ट्रांग और इतनी गर्म होती है ना उस वक्त ना बहुत सारे लोग ऐसे आ जाते हैं। मेरे घर वालों ने वो स्टैंड लिया वहाँ पे, मैं बिल्कुल ठीक थी। मैंने कुछ शेयर किया था वहाँ पे, वो झुटला दिया गया था ये तो बस सिंपथी के लिए ये सब कर रही है, झूठ है इसकी कहानी। हमेशा मैं जब जब अपना मुंह खोलती थी ना, अगर मैंने अपना स्टैंड लिया या डिफेंड किया तो उसी वक्त वो लोग आके और एक साथ बहुत सारे लोग
सिर्फ एक लोग, एक जन नहीं, वो कर रहे थे, वो कर रहे थे। हाँ, फिर मैं थक गई। तुम्हें क्या लगता है, अभिषेक ने सही किया चिंटू के साथ? ऑफ कोर्स, बिल्कुल। क्या ही करेगा यार, लोग अलग ही प्यार करने वाले। अगर तुम होते तो तुम भी वही करते, मैं होती तो मैं भी वही करती, मैं तो पता नहीं क्या ही कर देती। तुम्हारा और मनारा का इक्वेशन कैसा था? अच्छा था मनारा, शुरू में अच्छा था, बिल्कुल बिल्कुल, बाद में खराब हुआ। तुमको लगता है मनारा ने गेम खेली तुम्हारे साथ? मनारा तो बहुत अच्छा गेम खेल रही है सबके साथ। सबके साथ तो नहीं खेल पा रही है वो? नहीं नहीं, खेल रही है वो खेल रही है। तुम बिग बॉस फॉलो कर रही हो अभी? मैं अभी फिलहाल तो नहीं फॉलो कर रही हूँ, लेकिन जहाँ तक मैंने देखा अभी पहले से ज्यादा वो, मुझे लगता है वो स्ट्रांग हो गई है अभी, वो मुंह तोड़ जवाब दे पा रही है जहाँ तक मुझे लगता है। पहले फ्री हो गई है अभी। एक इंटरव्यू पे मैंने बोला था कि वो ऐसी है ना कि कभी कभी मुझे लगता है कि शी इज अ टेडी बियर, तो ऐसे जब हग करूँ ना तो वो काटा हो जाता है, चुपता है। तो ऐसा रहा है मेरा और मनारा का। wow. Frenemies. क्या example? Not enemies, not friends, frenemies. मनारा love angle try कर रही थी मुनावर के साथ में, वो समझ में आ रहा था तुमको? यार मुझे ना ये जो लोग बोलते हैं ना कि एंगल बनाने की कोशिश कर रहे हैं ये वो, आई डोंट थिंक सो, ये सब चीजें इंटेंशनली हो जाती है, बिकॉज ये ना फ्लो फ्लो में हो जाता है। आप एक जगह पे आप बंद हो, सारे एक साथ हो, है ना, तो किसी से अगर आपको थोड़ा सा कंफर्ट वाला फीलिंग मिल रहा है ना, आपको अच्छा लग रहा है, तो वो हो जाता है यार। और स्पेशली वो इमोशनल लोगों के साथ होता है, जो लोग दिल से बहुत इमोशनल होते हैं ना, तो वो लोग कनेक्ट, हाँ कनेक्ट कर पाते हैं। जो फेक है वो तो दिख जाता है। तुम्हें क्या लगता है टॉप 5 में कौन जाएगा? मुनावर का जनता बहुत स्ट्रॉन्ग है, और अभी अभिषेक का भी काफी स्ट्रॉन्ग हो गया है। हो गया, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया अभिषेक। अंकिता दीपी मैं बोलूंगी, मनारा और मे बी ईशा या विकी भैया। ओके, अच्छा तुम्हें अगर मौका मिले तो एक कंटेस्टेंट को एलिमिनेट करके बाहर निकालेगा, तुम किसको करोगी? मुझे लगता है कि ऐश्वर्या का जो एविक्शन था वो बिल्कुल अनफेयर था, जो ईशा ने किया। हाँ? तो मुझे लगता है कि ईशा कर्मा। जब ऐश्वर्या घर में आई थी ना स्टार्ट में, जब वो कुछ बोलती नहीं थी ना, तो मुझे ऐसा लगता था कि यार तेरा ज्यादा लंबा चलेगी नहीं, ये निकल जाएगी या लोगों के चिल्लाने पर में दब जाएगी। जब वो खुली ना तो फिर मैं भी थोड़ा सा शॉक हो गया यार ये ऐश्वर्या, क्योंकि मैं ऐश्वर्या के साथ में खतरों में था। देखो फ्रस्ट्रेशन अलग हो जाता है यार बिग बॉस में जाने के बाद में, इंसान वो नहीं रहता है जो वो है, पूरा खुल जाता है वो। खतरों जाओगी कि नहीं जाओगी? आएगा, डर लगता है मुझे रेप्टाइल्स से। रेप्टाइल्स है ना, बहुत ज्यादा। तो जो तुमने कैमरे में बताई ना, अगर कभी खतरों में गई ना तो लोग पहले रेप्टाइल्स देंगे तुमको। मैं जाऊंगी नहीं, मगर तुम्हें जाना चाहिए, तुम्हारा एक फियर खुल जाएगा। नहीं यार, मैं छोटी सी चिपकली भी नहीं देख सकती, पता है? एक बार घर पे चिपकली आया हुआ था, तो आया हुआ था। हाँ, आई हुई थी चिपकली लड़की है ना। अच्छा ठीक है, चिपकली लड़की है। नहीं क्या है? नहीं, चिपकली तो चिपकली है यार। हाँ ओके, हाँ। चिपकली तो लड़की कैसे होगी फिर, लड़का होगा फिर? ऑलराइट, चिपकली ऐसे आई हुई थी, मैं अचानक से आई घर के अंदर, देखा अब वो जा नहीं रही है, ठीक है, इतना बड़ा, और मैं ऐसी हूँ, उसको फेंक रही हूँ, सामान फेंक रही हूँ, मैं हर चीज फेंका, लेकिन वो जा ही नहीं रही है, चिपक रही है वो, और वो भी मेरे दरवाजे पे। तो तब मैंने एक फ्रेंड को बुलाया, आधा घंटा वेट किया मैंने सिर्फ बाहर बैठ के, ठीक है, वो आया कि क्या हुआ, और मैंने बताया नहीं कि ये हो रहा है। तो उसको भी डर लगा। उसको डर लग गया कि ऐसा क्या हो गया, और आके देखा कि यार चिपकली से डर रही है। तो शुरू में तो मैं तो वर्सोवा विलेज पे रहती थी, और वो भी खुद का भी घर नहीं था, रहने के लिए जगह नहीं था, खाने के लिए पैसे नहीं थे, मैंने भी बहुत धक्के खाए यार। स्ट्रगल स्टोरी तुम्हारी भी बहुत बहुत है। आराम नगर में जॉब करती थी, ऑडिशंस तो दूर की बात है, जॉब करती थी, दो वक्त खाने के लिए पैसे भी नहीं मिलते थे, कास्टिंग लोगों को बुलाती थी कॉल करके ऑडिशन के लिए। मतलब ये जगह से मैं बहुत जुड़ी हुई हूँ, वर्सोवा, यारी रोड, मैं ऐसे ही रोड पे ऐसे ही चलती थी, कहीं पे भी चली जाती थी, पर अब सब पहचानते हैं। अब मैं मास्क लगा के जाती हूँ, कहीं भी जाती हूँ तो मैं कॉन्शियस हूँ बहुत ज्यादा, पता नहीं क्यों। इसी तरीके से अपने लोगों को इंस्पायर करना चाहता हूँ कि यार जिंदगी बहुत खूबसूरत है, और जो लोग अपनी लाइफ में डीमोटिवेट है या जो लोग बहुत उदास है या मायूस है अपने करंट सिचुएशन को लेके, वो बहुत कुछ कर सकते हैं अपनी लाइफ में, क्योंकि मैंने ये चीज जिया है। लेकिन हैंडल करना भी मुश्किल है ना, बहुत मुश्किल है। बट देखो, कोई अगर चीज आपको औकात से ज्यादा मिल रही है
तो उस चीज को हैंडल करना सीखो और उस चीज को फेस करना सीखो, क्योंकि अगर वो आपको आपकी औकात से बाहर मिल रही है तो उसका कोई रीजन है। आपकी लाइफस्टाइल अच्छी हो रही है, आपको चार लोग तारीफ कर रहे हैं, आप जहाँ उठ रहे हो बैठ रहे हो, आपके जाने के बाद में आने के बाद में बातें हो रही है, जाहिर सी बात है कि अगर जब इतना सब हो रहा है तो आप में कुछ बात है। अब आप उसी बात को पकड़ो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ो और जितना हो सके उतना उस चीज को फेस करो। फेम मिलना आसान है, फेम को मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। वही फेम आसानी से मिल जाता है, बट उसको मेंटेन करके चलना, उसको संभालना, वो बहुत मुश्किल। ऑडिशंस देती थी ना तो सिलेक्शन नहीं होता था लैंग्वेज की वजह से, क्योंकि मेरी जो मदर टंग है वो एसमिस है। एसमिस? हाँ, असम से हूँ ना मैं। हाँ। मैं हाफ एसमिस और हाफ पठान। पठान भी हो तुम? हाँ। जो पठान। हाँ, अपना नाम ही है खानजादी। ऐसा कौन सा कंटेस्टेंट है जिसके साथ में आप घर से बाहर आने के बाद में भी संबंध नहीं रखोगे? ऐसा कोई नहीं है। और अगर कोई आपके साथ में नहीं रखा संबंध तो कोई बात नहीं, तो कोई ऐसा तो होगा, कॉल होगा। नहीं, वो उनका कॉल होगा। जैसे कल ही मैंने बोला कि मैं रिंकू जी जिगना जी से मिली, तो शायद उनमें से किसी एक ने तो कहा था कि मैं तो इससे मिलूंगी ही नहीं, लेकिन मैं मिली। ठीक है, और फोटो भी लिया और दोनों मेरे गाल पे किस कर रहे हैं। मैंने बोला किस करो, दोनों साथ में आए तो मैंने बोला किस करो, तो वो फोटो भी ले लिया, मैं अपलोड भी करने वाली हूँ देखता। Whom do you see as a winner? मेरे तरफ से जो बहुत ही अच्छा खेल रहा है अभिषेक है। तुम्हें लगता है अभिषेक जीतेगा? मुझे लगता है नहीं, मतलब मैं चाहती हूँ। तुम चाहती हो? हाँ। कि अभिषेक जीते? हाँ, वैसे मुनावर और अभिषेक के बीच में थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हूँ। जैसे मैंने आपको बोला कि मुनावर का जो जनता है वो काफी स्ट्रांग है बाहर। हाँ। तो हो सकता है मुनावर को जिताएगी, लेकिन अभिषेक भी हो सकता है। मेरे पास में कुछ रूमर्स है। तुम पढ़ो। अच्छा, खानजादी इज कमिंग ऑन खतरों के खिलाड़ी दिस ईयर। आता हूँ मैं एज अ चैलेंजर बन के। रुको, तुम आओ। छिपकली से भी डरती हूँ मैं। अभी बोला तो मैं तो नहीं आऊंगी, आई एम सॉरी। बिग बॉस में रहने के लिए हर दिन आपको 5 लाख रुपए दिए जा रहे थे। क्या बात है यार खानजादी। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये रूमर है। रूमर है गाइस, 5 लाख नहीं 10 लाख दिए जा रहे थे। आप लोग मेरा बहुत कम बोले, इसलिए मैंने कम लिखा। आप लोग ज्यादा बोलते तो मैं ज्यादा लिखता। ऐसा अगर होता तो अभी अभी मैं भी ऐसी एक गाड़ी ले लेती। सूत्रों के अनुसार। सूत्रों के अनुसार मतलब जो लोग इन्फॉर्मेशन निकालते हैं उनके। अच्छा, उनके खबरी। हाँ। सूत्रों के अनुसार अभिषेक और आप बिग बॉस के बाद डेट करने वाले हैं। ओहो, इसकी किसने दिया है अभिषेक का नाम सुनते ही गाइस देख रहा हूँ मैं। ब्लश करती हूँ, मैं ब्लश करती हूँ क्योंकि पता नहीं यार। नहीं, ऐसा कुछ नहीं सोचा है। हाँ, अभिषेक ने बोला था कि सीधा शादी का सोचा है। नो, रूमर है गाइस, रूमर है। हम दोस्त हैं, अच्छे दोस्त हैं। रैपर तो आप बन गए, लेकिन बिग बॉस आपने इसलिए किया क्योंकि आपको रैप इंडस्ट्री में पोजीशन बनानी थी। ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं बस अपना एक पहचान बनाने गई थी कि लोग जाने कि मैं कौन हूँ, मतलब मेरी पर्सनालिटी कैसी है, और फिर लोग मुझे पसंद करेंगे या नहीं करेंगे। और अब बाहर आने के बाद पता चला कि लोग पसंद कर रहे हैं, यही मेरे लिए सबसे बड़ा सक्सेस है। एक लास्ट गेम खेलो क्या? Who is who? बेस्ट गेम अभिषेक। अभिषेक भाई जीत गया है, मतलब खानजादी की तरफ से। चलो नेक्स्ट चिट। इमोशनल फूल अंकिता दी। इमोशनल है वो, बहुत इमोशनल है। हाँ। भावनाओं में बह जाती है, हर्ट भी होती है, जो भी है दिल से है, इमोशनल है। फूल तो नहीं कहूंगी लेकिन इमोशनल है। क्राई बेबी। मनारा। मैनिपुलेटिव। ओह, नन अदर देन विक्की भैया। थैया दोगला इंसान। थोड़ा बहुत मुनावर। जो भी उसका करंट सिचुएशन है उस हिसाब से, सॉरी मुन्ना। सेल्फिश। मनारा थोड़ी सी सेल्फिश है अभी, मतलब फिलहाल जो भी मौजूद है उस घर में
उनमें से उनमें से डेस्परेट कंटेस्टेंट उफ नन अदर देन मिस्टर अभिषेक कुमार पैशनेट डेस्परेट सब गेम के लिए मास्टरमाइंड हमारे प्यारे विकी भैया पोकिंग किंग वो तो है चिंटू चिंटू तो बहुत बड़ा चिंटू है खानसादी कैसा लगा शो में मजा आई बहुत मजा आया बहुत मजा आया बहुत बहुत थैंक यू शो पे आने के लिए मजा आ गई मुझे अरे थैंक यू फॉर हैविंग मी सो गाइस अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना यूट्यूब चैनल को